हाय अमित सर, मेरा नाम पुष्कर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट देखा गया है अभी तक? हाउ विल इट पैन आउट इन लॉन्ग टर्म? आई हैव अ स्लाइटली कॉन्ट्रा व्यू ऑन दिस. आई फील डीमोनेटाइजेशन मोर देन जो इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आया है उसकी ज्यादा बातें हुई है, बट वी हैव ऑन ग्राउंड जीरो नॉट रियली सीन इन द मास सेगमेंट वेयर विच इज रेजिडेंशियल हाउसिंग. मे बी लैंड ट्रांजेक्शन में उसका इम्पैक्ट आया होगा, बिकॉज लैंड ट्रांजेक्शन में काफी कैश हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी. अब क्या हुआ है, मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल बताता हूँ. जो चीज पहले 100 रुपए की थी, उसका रेडी के किनारे वैल्यू जो है, जो सर्कल वैल्यू जिससे कहते हैं इधर देश भर में, वॉज अबाउट 65-70 रुपीज. तो देर वॉज स्कोप ऑफ 35-40 रुपीज ऑफ कैश और एडजस्टमेंट और ब्लैक मनी एज वी यूज टू कॉल इट. बट अब सारे लोकेशंस पे 25-30% प्राइजेस करेक्ट हो चुके हैं. तो जो मार्केट वैल्यू है वो 100 रुपये से घटकर 70-75 रुपीज हो गई है. और स्टेट ने और सेंटर ने अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज में जो रेडी रेकनाइज वैल्यूज बनाए हुए हैं, विच इज ऑलमोस्ट नाउ टचिंग द मार्केट वैल्यू, देर इज वेरी मिनिमल स्कोप. अगर कोई चाहे भी तो भी कैश देना जो है वो 75-80% केसेस में पॉसिबल ही नहीं है. एंड जिस तरह के बायर्स अभी आ गए हैं वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्लास हैं, जो कैश एनी विच वे स्टॉक नहीं करते थे. इन्वेस्टर्स विच वर अन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कैश यूज करते थे, वो सब भी काफी मार्केट से अब दूर गए हैं. सो आई डोंट सी लार्ज इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एंड आई थिंक वी हैव फेस्ड दैट पीरियड आउट एज ऑफ नाउ.